देश के सबसे बड़े अयोध्या विवाद पर किसी भी दिन फैसला आ सकता है। खत्म हो सकता है करीब 500 साल पुराना केस, लेकिन फैसले के बाद के हालात को दुरुस्त रखने के लिए अभी से पुरजोर कोशिश जारी है। कहीं फ्लैग मार्च तो कहीं सद्भावना रैली तो कहीं हस्ताक्षर अभियान। यूपी के तमाम जिलों को सबसे संवेदनशील माना जा रहा है। सहारनपुर में पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाली गई। शहर के लोगों को पुलिस ने भरोसा दिया कि किसी भी आपात स्थिति में वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। सहारनपुर की सड़कों गलियों से निकलते पुलिस और ITBP की टोली ये बता रही है कि वो भी हर तरह से तैयार हैं। साथ में गश्त लगा रहे हैं जिले के DM और SSP। मैसेज देना, किसी को डराना या धमकाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि आप सभी हम वेल इक्विप्ड हैं और आने वाले निर्णय के प्रति जो हमने हिंदुओं की और मुसलमान भाइयों की शांति समिति की बैठक की है उसी के परिप्रेक्ष्य में सभी लोग शांति से बने रहें और किसी प्रकार का उपद्रव न करें। उत्तर प्रदेश ही नहीं, गुजरात में भी अयोध्या पर फैसले के बाद के हालात से निपटने के पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से। जी हाँ, अयोध्या में मंदिर और मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे जो भी आए, लेकिन देश में आपसी भाईचारा बना रहे इस मकसद से सूरत में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। सूरत कपड़ा मार्केट इलाके में आयोजित इस हस्ताक्षर अभियान में सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट जो भी चुकादा देंगे, ये सूरत वासियों को, भारत वासियों को ये मंजूर होगा और उसी के लिए ये समाज के सभी धर्म के लोग के यहाँ खड़े हैं और एक साथ हस्ताक्षर करके कौमी एकता को सपोर्ट करने के लिए है कि हिंदुस्तान की पहचान ही हमारी एकता है, वो हम कभी टूटने नहीं देंगे। देश के सबसे बड़े विवाद पर सबसे बड़े फैसले के बाद शांति और अमन चैन का माहौल बना रहे, यही सबकी कोशिश है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी DM और SP ने सौहार्द बनाए रखने की अपील के साथ हर वर्ग के लोगों के साथ सद्भावना रैली की। इसमें जिले के सभी ग्राम प्रधान, कोटेदार और ग्राम पंचायत अधिकारी सहित दूसरे अफसर भी मौजूद थे। राजस्थान में भी अजमेर के दरगाह शरीफ से अमन चैन का संदेश जारी किया गया। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि फैसला किसी के भी पक्ष में आए, माहौल बिगड़ने नहीं देना है। इसी के मद्देनजर शहर शहर सुरक्षा, शांति और सद्भावना कायम रखने के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी है।